इंदौर के विजयनगर में मेदांता अस्पताल की चौथी मंजिल पर अचानक आग लग गई। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने के चलते अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं आईसीयू वार्ड में भर्ती 10 मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शुरुआत में बिजली बोर्ड से अचानक से धुआं निकलने लगा, वहीं वार्ड में धुआं फैलने लगा। आग फैलती इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि मरीजों और परिजनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ है। कितने पेशेंट थे वहाँ? 10 पेशेंट थे। कि कौन सा वार्ड है, किस नंबर में? मेडिकल आईसीयू। कौन से फ्लोर पे था? चौथी मंजिल पे। अभी क्या स्थिति वर्तमान? अभी सब पेशेंट अच्छे हैं, दूसरे आईसीयू में रख दिए। उनके परिवारजनों को भी उनसे मिला दिया गया है, सब अच्छे हैं। और वो वहाँ पे हमने वो पूरा आईसीयू खाली करके अब हम उसका देखेंगे कि क्या कारण था, उसका पता लगाएंगे। तो एकदम से पीछे की तरफ थोड़ी चिंगारी होकर फिर लाइट आग से दिखी। हाँ? मैं दौड़ के गई बताने के लिए, फिर पता चला सही की भी आग लगी है। हाँ? मम्मी मेरी आईसीयू में एडमिट थी, तो मैं घबरा गई कि आग लगी है। तो मम्मी मेरी मिल गई मेरे को। हाँ? और ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने मॉनिटर वगैरह सब चालू कर दिया है। अब डर नहीं है कुछ भी।